तो दोस्तों गुड इवनिंग, बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है एक्सपायरी में। इससे पहले डिस्क्लेमर आपको बताइए, ये पर्सनल भी होता है जो भी हम बताते हैं, तो उसको पहले एक बार आप लोग देख लो कितना सही होता है और कितना गलत होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले बात करते हैं कि 17,750 के ऊपर आज 4 दिन हो गए, इसका मतलब मार्केट आपका बुलिश है, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही है। मतलब जब भी कोई डिप आता है, डिप तो चलेंगे, अभी थोड़ा ये भी तो आपका न्यूज बेस है, तो इसमें मार्केट ऐसे ही रहेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे। मतलब यहाँ क्लियरिटी नहीं है अभी मार्केट में, या तो कोई न्यूज आ जाए। ठीक है, तो अभी बात करते हैं, देखो आज 2 तारीख थी, सुबह में अब भी खुला था बैंक निफ्टी आपका 100-150 पॉइंट, 100-125 पॉइंट तो कई बार ऊपर गया, निफ्टी भी 30-40 खुला था। तो मानो आप कॉल ले गए होंगे, जो कॉल लेके जाते हैं उसका रूलिंग होता है जो भी बढ़े घटे वो बाद में लो, दोबारा पहले 5 मिनट में उसको साफ कर दो, फिर मार्केट को 10 मिनट देखो उसके बाद पोजीशन। तो अगर आपने ले गए हो तो लॉस नहीं हुआ होगा कल जो बताया था। ठीक है, तो देखो आज हमें करते करते 3-4 दिन हो गए, हर रोज प्रॉफिट ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, अभी 3 तारीख को मैंने क्या बताया था कि ये जो सारी चीजें है ना, ये जो मेंबर ओनली वीडियो है उसमें पहले बता चुके हैं, है ना, आपको भी जब मार्केट बंद हुआ तो बताया था। मेरा मानना यह है कि मॉर्निंग में 10-11 बजे तक हम ऊपर रहेंगे, यहां पे एक बार आप चेक कर लेना मार्केट क्या कर रहा है, उसके हिसाब से फिर काम करना, बाकी जो चीज होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये दोनों कहानी खत्म। तीसरी कहानी, मार्केट में गैप बैंक निफ्टी में पुट ज्यादा है। ठीक है, अगर कहीं पॉजिटिव न्यूज आ जाता है, मार्केट सही रहते हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है कल, अगर वहां से ही फेड की मीटिंग या किसी के रिजल्ट खराब रहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पीसीआर जो है निफ्टी का कल 0.72 था, आज 0.68 हो गया निफ्टी, और निफ्टी का था कल 1.20, आज 0.96 हो गया, इसका मतलब इसके अंदर भी पुट ज्यादा है, कॉल की अपेक्षा दोनों में ही पुट है, बैंक निफ्टी में तो थोड़ा कम है, बैंक निफ्टी में ज्यादा। इंडिया विक्स कल 2% बढ़ा था, आज 3.2% बढ़ाया, तो अभी 16.6 आ गया। ठीक है, ये आपकी कहानी खत्म। मतलब ये जो चीजें बताते हैं इससे थोड़ा सा मदद मिलती है, जो समझते हैं उन्हें मिलेगी, जो नहीं समझते उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, वो ये जहां पे मार्केट है तकरीबन यही रेंज में दिखाई देती है, कोई बड़ा मूवमेंट होगा तो फिर देखेंगे। ठीक, अब ये कल का राशिफल है आपका, ये राशि लिखी हुई है 6, इधर 6, 12, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये इनकी वैल्यू है उनके सामने। तो जिनको डायरेक्ट नाम से पता है वो डायरेक्ट देखना, कुंडली के हिसाब से मैंने बताया हुआ है कि जो लगन है आपकी, आप लोग जब तक चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों को ठीक लगता है, तो ये अगर लगन है जैसे 4 नंबर है और चंद्रमा 5 में, तो यहां पे देखो 4 के 3 और इसके 2 पॉइंट, 5 5 का आधा 2.5, तो कुल मिला के देखो आपकी एक सिंह राशि, कुंभ राशि और एक मेष राशि ये कमजोर है, इनका 40% है मार, बाकी तकरीबन सभी ठीक है ना। ये प्रीमियम ग्रुप है 3, मतलब रेगुलर जो डेली काम करते हैं, ये जॉब अब सर्विस जो करते हैं, और ये कॉमोडिटी का चैनल है, इसमें अच्छा रिजल्ट है कॉमोडिटी में, मेरे को लग रहा है ज्यादा बढ़िया है ये निफ्टी बैंक निफ्टी से, नहीं चलते हो 300-400-500 पॉइंट मूवमेंट तो आ जाता है उसमें कम से कम। ठीक है, ये एस्ट्रो स्टॉक अपडेट, आपको आज भी एक कॉल दी थी, अब जिसकी समझ में नहीं आएगी या जिसको लगेगा कि ये तो बेकार है सारी चीज, देखो 40 रुपया पे दी थी, 36-37 भी आई थी, 30 रुपये का स्टॉप लॉस था और वो 56-57 तक गई है,
मतलब 40 रुपए की कॉल 5 रुपए बढ़ गई, 12.5% बढ़ गई। अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि 4,000 रुपए पे 500 मिलेंगे, ठीक है। तो 15 बढ़ी, 37.5% प्रॉफिट। पर ये लगेगा नहीं किसी को, बोला ये कहाँ इतने परसेंट प्रॉफिट हो गया, ऐसा ही होता है, ठीक है। वो बिल्कुल कोई ये नहीं था, उसमें टेंशन नहीं था कॉल के अंदर के भाई क्या हो गया क्या नहीं। लास्ट में जहाँ करीब 51-52 पे थी, 54-55 लगा के, वहां पे मैंने जो अपने में निकलवाई थी वहीं आपको बोला था प्रॉफिट बुक कर लो, फिर शायद उतना नहीं गई है वो। तो आपका ये क्लियर हो गया। ये एस्ट्रो स्टॉक जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं और कुंडली दिखा सकते हैं। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, जिनके इच्छुक हैं वो जो है कोर्स कर सकते हैं। हमारी कहानी खत्म, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।